नमस्कार दोस्तों, भारत बजीज लबड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने बजीज और लबड़ के लिए कब मटकी लगानी है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा तो आप उसे दबा दीजिए, और उसी के साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा तो उसे भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके कंप्यूटर आपके स्क्रीन पर सीधा मिल जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लोग अक्सर कब क्या और कहाँ गलती करते हैं जिससे उन लोगों को अच्छी ब्रीड नहीं मिल पाती है और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों कई लोग तो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि दोस्तों जो उनके लबड़ हैं और बजीज हैं उनकी कॉलोनी में मटके कब लगानी है और किस टाइम लगानी है जिससे कि उनको एक अच्छी ब्रीड मिल सके, लेकिन दोस्तों वो इसमें गलती करते हैं दोस्तों और वो भारी नुकसान उठाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको गलती कहाँ आप गलती कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं जब स्टार्टिंग में नया था तो दोस्तों मैंने भी वही गलती करी जो लोग अक्सर गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कई सब्सक्राइबर हैं, मेरे कई व्यूवर हैं जिन्होंने मेरे को कमेंट्स किया कि भाई इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियो बनाएं। दोस्तों मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि जो गलती मैंने करी आप वो गलती बिल्कुल भी ना करें, आपको एक अच्छी ब्रीड मिल पाए ताकि आप जो बजीज पैरट या लबड़ पैरट रखना स्टार्टिंग जो स्टार्ट करना रखें। ठीक है दोस्तों, आप डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों मैंने क्या किया कि जब मैं स्टार्टिंग में बजी लेके आया तो मुझको सब्र तो बिल्कुल था ही नहीं। दोस्तों मैंने क्या किया, अपनी कॉलोनी के अंदर जुलाई के लास्ट में यानी कि 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई के बीच में ही मैंने मटकियाँ टांग दी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब मैंने मटकियाँ टांगी तो ऐसा नहीं है कि मेरे बजीज ने ब्रीड नहीं करी, मेरे बजीज ने दोस्तों काफ़ी अच्छी ब्रीड करी और दोस्तों जो मेरी बजीज की एग क्वान्टिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, 5-5, 6-6 जो एग उन्होंने दिए। लेकिन दोस्तों लास्ट में एंड में मुझे रिजल्ट क्या मिला कि जो मेरे बजीज के एग थे उनकी ख़राब होने की क्वांटिटी 99% थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे को 99% जो मेरे एग थे वो मेरे अनफर्टाइल हो चुके थे, काले पड़ चुके थे, ख़राब हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने गलती यही करी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्यों हुआ, मैंने क्या गलती करी, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती करी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुलाई के लास्ट में जो ह्यूमिडिटी होती है वो 80% यानी 80% से लेके 85% तक बढ़ जाती है, जो कि दोस्तों बजीज और लबड़ की एग की जो फर्टिलिटी होती है उससे कतई भी मैच नहीं खाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो ये बजीज और लबड़ होते हैं इनकी जो एग फर्टिलिटी होती है, जो वो एग फर्टाइल होने के लिए कम से कम दोस्तों जो ह्यूमिडिटी होती है जो वो कम से कम 50% से लेकर 60% ह्यूमिडिटी उनको चाहिए ही चाहिए। दोस्तों मैंने भी यही गलती करी। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ वेट करना है। ठीक है दोस्तों, 10 और 15 दिन में कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो आप अच्छी ब्रीड पाएंगे। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बाद ही मटकियाँ लगानी हैं, तभी आपको एक अच्छी ब्रीड मिल पाएगी और आपको कम नुकसान होगा। ठीक, आपको नुकसान कम से कम नुकसान होगा। अगर आपको दोस्तों अब मटकियाँ लगा देंगे तो भाई आप लगाइए, मैं आपसे खाली आपको सजेस्ट कर सकता हूँ लेकिन आपको रोक नहीं सकता, तो आप मटके लगाइए लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको वेट करने के बाद रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आप लगा लीजिए अगर चाहते हो तो, नहीं अगर आप मेरे सजेशन में चलना चाहते हो तो आप दोस्तों मटकियाँ 10 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बाद ही लगाइए दोस्तों। ठीक है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप दोस्तों अभी मटके लगा दोगे तो दोस्तों आपकी जो बजीज और लबड़ की एग फर्टिलिटी है वो ख़राब होने की अनफर्टिलिटी है, जो अनफर्टाइल हो जाएंगे 99% अनफर्टाइल हो जाएंगे, कन्फर्म है 99% आपके एग काले पड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और उनके अंदर से बच्चे नहीं निकलेंगे। फिर आप कंप्लेंट करेंगे कि भाई कि हमारे जो एग हैं वो ख़राब हो गए हैं, उनके अंदर से बच्चे नहीं निकलते। दोस्तों ये जो है जो आम लोग हैं और जो बड़े ब्रीडर हैं उन सब के लिए दोस्तों ये बहुत भारी नुकसान है। इससे अच्छा ये दोस्तों कि 10-15 दिन आप वेट कीजिए, 10-15 दिन में कुछ नहीं होता, आप वेट कीजिए, आपको अच्छी ब्रीड मिलेगी, कन्फर्म है, वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात रही मेरी कि कई भाई ये पूछते हैं कि आप मटकी कब लगा, तो दोस्तों
जो मैं मटकियाँ हैं वो 15 अगस्त के बाद बाद ही मटके लगाऊंगा, 10 से 15 अगस्त के बाद मटके लगाऊंगा और उसकी वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा और उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि मटकियों का साइज़ क्या होना चाहिए और मटकियाँ कैसे लगाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपनी कॉलोनी के अंदर। दोस्तों मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि दोस्तों जो लोग स्टार्टिंग में गलती करते हैं, जो दोस्तों गलती मैंने करी वो गलती आप ना करें। दोस्तों मेरा जितना हो सकता है कि मैं अपना जो मैं सीखता हूँ इन वजह से वही मैं आप सारा एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, जो जितना मैं सीखता हूँ, जितना मैं नुकसान उठाता हूँ, जो भी मुझे नुकसान होता है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूवर हैं वो नुकसान ना उठाएँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं एक अच्छी जानकारी दे पाऊँ। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई तो दोस्तों आप अनलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।